Hello listeners, in this video we will discuss unit 4 of the book Aspect of Language and the topic is Intonation and the Function of Intonation. इससे पहले की वीडियो में हमने कंप्लीट किया था टोन इंटोनेशन और इसकी जो टोन्स होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोन फॉलिंग टोन फॉलिंग राइजिंग और राइजिंग फॉलिंग टोन को. इससे पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है इंटोनेशन का. सो फर्स्टली डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंटोनेशन कि जब आप लैंग्वेज इन विच द टोन्स ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द मीनिंग ऑफ एन यूट्रस आर नॉन एज इंटोनेशन लैंग्वेज. जब टोन्स की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन्स की वजह से जब आपका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं इंटोनेशन. अब जो टोन है वो कैसी हो सकती है, आपकी हाई हो सकती है, लो हो सकती है, डाउन हो सकती है, अप हो सकती है या फिर रिमेन सेम भी रह सकती है. सो इनको बोलते हैं इंटोनेशन. सो इंटोनेशन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जो मेन फंक्शन है इसके तीन हैं. नंबर वन है ग्रामेटिकल फंक्शन, नंबर टू है एसेंशुअल फंक्शन और नंबर थ्री है आपका एटीट्यूडनल फंक्शन. वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम इन तीनों को. सबसे पहले बात करते हैं ग्रामेटिकली फंक्शंस. तो ग्रामेटिकली फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, इंटोनेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द मोटिव्स ऑफ सेंटेंस एज अ क्वेश्चन. स्पेशली ग्रामेटिकली जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसके बोलने से मोटिव से या जो आप बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ रिसिप्टर. जब आप सुन रहे होते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बोलने का मतलब क्या है. इट ऑल्सो हेल्प इन एम्फसाइजिंग द सेंस ऑफ कमांड इन द सेंटेंस. बोलने वाला लिसनर जो है वो बोलता है और जो इसको रिसिप्टर होता है वो इसको समझता है कि जो बोला जा रहा है, जो इंटोनेशन की हेल्प से वो समझता है कि किस वे से बोला जा रहा है. इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, सपोज़ अगर कोई आपसे किसी ओपिनियन पे आपकी राय मांग रहा है, कोई उसने एक प्रॉब्लम रखी उस पर आपकी राय मांग रहा है तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है उसके बात करने के तरीके से, उसके टोन से कि वो किस तरह से बात करना चाहता है. इट ऑल्सो हेल्प इन एम्फसाइजिंग सेंटेंस. अपने सेंटेंस को एम्फसाइज करने में भी ये हेल्पफुल होता है. जैसे कि अगर आप किसी वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो उस वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए आपको बोला जाए कि कॉलेज में प्रेजेंटेशन है एंड द टॉपिक इज़, तो जो आपका टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं इंटोनेशन के थ्रू आप उस टॉपिक को हाईलाइट कर देते हैं तो ये शो कर देता है कि आपको जो स्टूडेंट को स्ट्रेस देना है वो कहाँ पर देना है, टॉपिक पर देना है. ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है समझाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है इसका एसेंशुअल फंक्शंस. अब देखिए असेंट से ही बना है आपका एसेंशुअल. असेंट आप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस वे से किस तरीके से बोली जा रही है कोई भी बात. तो ये कौन सा फंक्शन होता है, अ स्पीकर कैन ड्रो लिसनर्स अटेंशन टुवर्ड्स द मैसेज ही शी वांट्स टू कन्वे टू यूजिंग एसेंशुअल फंक्शन. असेंट्स की हेल्प से जो स्पीकर होता है वो अपने लिसनर्स को मैसेज दे देता है इंटोनेशन और की हेल्प से कि वो क्या और किस तरीके से बोल रहा है. तो जो रिसिप्टर होता है, जो लिसनर होता है, वो उसे उसी तरीके से समझता है. दिस कैन बी डन बाय मेकिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोमिनेंट. सपोज़ आपको कोई भी लेसन दे दिया जाता है या एग्ज़ाम्पल के लिए आपको प्रेजेंटेशन का टॉपिक दे दिया जाता है, अब जो आपका अटेंशन है वो अपनी तरफ जो स्पीकर है वो लाना चाहता है या आपको कोई मैसेज देना चाहता है तो वो किस टोन में देगा. अगर उसको प्रेस करना है तो गुड, वेरी गुड, वेल डन. अगर किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ तो वो इस तरह से जो उसका टोन होगा वो बहुत पोलाइट होगा, जो उसके एसेंट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे. जैसे कि वो आपकी शोल्डर्स पे अपने आपके शोल्डर्स को थपथपा सकता है तो वो भी क्या है, एक तरह से वो प्लेजर शो कर रहा है कि जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो अपने एसेंट्स के थ्रू दिखाना चाहता है कि जो आपने प्रेजेंट किया वो बिल्कुल भी कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं थी, तो वहाँ पर उसका जो वे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी और जो उसका टोन होगा उससे आपको पता चल जाता है, जैसे कि आपने अपने कॉलेज टाइम पर फील किया है. सो ये है इसका एसेंशुअल फंक्शन इंटोनेशन का कि असेंट्स की हेल्प से बताना कोई भी चीज़.
नेक्स्ट है इसका एटीट्यूडनल फंक्शन। अब जो एटीट्यूडनल फंक्शन है, ये जो वर्ड एटीट्यूडनल है वो एटीट्यूड से ही बना है आपका। इसमें क्या होता है, इंडियन इंटोनेशंस आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर एटीट्यूड्स एंड इमोशंस। जब आप अपने एक्सप्रेशन को, अपने एटीट्यूड को और अपने इमोशंस को इंटोनेशंस के थ्रू शो करते हैं, तो ये इसके इस एटीट्यूडनल फंक्शन के अंदर आ जाता है। एक्सप्रेशन कैसे, अगर हम बात करें कि एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो अपने एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप में इमोजीज होते हैं। सो जब आप हैप्पी होते हैं तो आप हैप्पी वाला इमोजी सेंड करते हैं, जब आप सैड होते हैं तो आप सैड वाला इमोजी सेंड करते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज वाला इमोजी सेंड करते हैं, और आप जब एंग्री होते हैं तो एंग्री वाला इमोजी सेंड करते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक्सप्रेशन है जो आप शो करते हैं। ये एक इसका अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स मैं आपको इस टॉपिक के दे रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। ओवर एटीट्यूड, अब एटीट्यूड और इमोशंस ये इसी में इंक्लूड हो जाते हैं कि जब आपका मूड अच्छा होता है या फिर जब आप एंग्री होते हैं, जब आप फियर में होते हैं, तो ये क्या होता है, इंटोनेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं आप। अगर आप सरप्राइज होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, वाव, या कोई चीज़ आपके सामने बहुत खूबसूरत है तो आप क्या बोलते हैं, वाव, सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो यहाँ पे जो आपका इंटोनेशन है, जो आपकी टोन है, वो शो करती है कि आप क्या हैं, सरप्राइज हैं किसी चीज़ को देख के। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता है, यू आर फीलिंग बैड, तो आपका जो टोन होता है वो कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, एक होता है ना उदासी भरा होता है, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जो आप इंटोनेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अगर आप जॉयफुल होते हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत खुश होते हैं, तो जो आपकी टोन होती है वो बहुत चार्मिंग होती है, तो इससे भी पता चलता है आपके एटीट्यूड के बारे में। सो वन बाय वन हमने इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं अगर एक बार में आपको समझ में ना आए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।